बिलासपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने में बिलासपुर संभाग की बड़ी भूमिका होगी। 50% युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है, वहीं टिकट काटने का अधिकार हाईकमान का है। साथ ही उन्होंने हसदेव अरण्य क्षेत्र के मामले को लेकर कहा कि सरकार को इन समस्याओं के बारे में पूरी खबर है और समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भाजपा को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन 8 सालों में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। उन्होंने किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात की थी। आज क्या हंस रहे किसान, पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। आज उन्होंने अच्छे दिनों की वादा किया था, आज देखिए महंगाई के कारण त्राहिमाम स्थिति आ रही है। हमारी सरकार थी 410 रुपये गैस सिलेंडर का था, आप शतक 1100 रुपये गैस सिलेंडर के दाम है। हमारी सरकार थी 65 रुपये पेट्रोल का रेट था प्रति लीटर, डीजल का 55 रुपये था, अभी शतक मार रहे हैं। और उन्होंने कहा था 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करेंगे, क्या हुआ।